नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीवन जीने की कला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं हम सभी गोरख मुंडी के बारे में। ये सूखे धान के खेतों में पाई जाती है। ये जड़ी बूटी फरवरी से लेकर के जून महीने के बीच में जो खाली धान वाले क्षेत्र होते हैं, जिधर धान की खेती ज़्यादा होती है, उधर आसानी से मिल जाता है। इस पौधे में मिर्गी, मानसिक बीमारी, आधे सिर का दर्द, पीलिया, डायबिटीज, कुष्ठ रोग, बुखार, खांसी, पेट के रोग, हार्निया, बवासीर, पेट के कीड़े, अपच, त्वचा रोग, इसके अलावा पागलपन, तपेदिक ग्रंथियों, ब्रोंकाइटिस, प्लीहा रोग, एनीमिया, गर्भाशय और योनि में दर्द, बवासीर, अस्थमा, ल्यूकोडर्मा, पेचिश, उल्टी, गुर्दा में दर्द, स्तनों का ढीलापन, आधे सिर का दर्द, इन सभी बीमारियों को जड़ से खत्म करने के गुण होते हैं। इसके अलावा यूनानी दवा प्रणाली में बात करेंगे तो गोरखमुंडी को टॉनिक, लैक्सेटिव, मासिक धर्म के स्त्राव को बढ़ावा देने वाली दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे भूख बढ़ाने, खून बढ़ाने, सूजन कम करने, मस्तिष्क को ठंडा करने और आँखों की रोशनी को बढ़ाने वाली दवा माना जाता है। तो जब इतनी गुणकारी ये औषधि है तो इसके प्रयोग का तरीका जरूर होगा। अलग अलग बीमारी को दूर करने के लिए इसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो को स्किप थोड़ा भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये बेस्ट जानकारी है। आयुर्वेद का ये एक बेस्ट गुण है, आप सभी जानते हैं कि एक औषधि लेंगे इससे अनेक बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई इंग्लिश दवा आप खाएं उससे एक दवा खाने से पाँच बीमारियाँ खत्म होती हों, लेकिन आयुर्वेदिक औषधियाँ ऐसी होती हैं कि एक दवा खाएंगे पाँच बीमारियाँ खत्म होती हैं या पचास बीमारियाँ खत्म होती हैं। ऐसी ही औषधि है गोरखमुंडी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। हम आपको बताने जा रहे हैं अलग अलग बीमारियों में कैसे इस्तेमाल करना है। वीडियो के अंत में बताएंगे कि इसकी मात्रा कितनी लेनी है आपको, इसके अलावा इन सभी बीमारियों को खत्म करने के लिए एक विशेष प्रकार से कैसे इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो इसलिए भी अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं आंखों के लिए गोरखमुंडी के प्रयोग के बारे में कैसे करना है। गोरखमुंडी ENT यानी कि कान, नाक और गले के विकार और आंखों के अलग अलग विकारों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बेस्ट औषधियों में से एक है। कुछ समय तक पर्याप्त मात्रा में सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद मिलती है। ये लाभ प्राप्त करने के लिए गोरखमुंडी के 3 से 4 ताजे फूल लीजिए और 2 चम्मच तिल के तेल में इसे डुबो दीजिए। इसके बाद नियमित रूप से इसका सेवन कीजिए। आपकी दृष्टि को बेहतर बनाने और आंखों की लालिमा को दूर करने में मदद मिल जाएगी। अब बात करते हैं गाल स्टोन के संबंध में। गोरखमुंडी योनि से जुड़ी बीमारियों और गर्भाशय से जुड़ी बीमारियों जैसे कि पथरी हो गया, गाल स्टोन को खत्म करने की दवा ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए यह बहुत फायदेमंद औषधि है। गाल ब्लैडर में स्टोन होने के कारण बहुत ही दर्द होता है, जिसके कारण इसका सबसे अधिक प्रभाव पाचन तंत्र के स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो इसके लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। इसका कॉमन तरीके से ही इस्तेमाल करना है, हम आपको अंत में बताएंगे, इसलिए क्योंकि पहले आपको अलग अलग तरीके बता दे रहे हैं। हाँ, जिसमें विशेष रूप से यूज करना है वो तो हम आपको बताते जाएंगे साथ के साथ, लेकिन कॉमन तरीका एक हम अंत में जरूर बताएंगे आपको। अब आइए जानते हैं कुष्ठ रोग से बचने के लिए। यदि आपको कुष्ठ रोग है तो गोरखमुंडी के पाउडर का सेवन आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। आइए जानते हैं कि इसका पाउडर कैसे बनाएंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे। गोरखमुंडी का पाउडर लीजिए और नीम की छाल का पाउडर। इसके लिए अगर आपको कुष्ठ रोग है तो इन दोनों को मिलाना होगा। और इस्तेमाल कैसे करें तो गोरखमुंडी के पाउडर और नीम की छाल के पाउडर को आपस में मिक्स करके एक काढ़ा बनाना होगा आपको। जब काढ़ा बन करके तैयार हो जाए तो सुबह और शाम को इस काढ़े का आपको सेवन करना है। कितनी मात्रा में सेवन करना है? आधे कप की मात्रा में सेवन करना है। ज्यादा सेवन कभी भी मत कीजिएगा, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान होगा। अब आइए जानते हैं गोनोरिया रोग को खत्म करने के लिए इसके उपयोग के बारे में। गोरखमुंडी के पाउडर का सेवन गोनोरिया और धातु संबंधी बीमारी से जुड़े विकारों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं कैसे उपयोग करना है। गोरखमुंडी का पाउडर बना लीजिए, इसके फूलों को सुखा करके उनका पाउडर बना लीजिए और गोरखमुंडी के पाउडर का नियमित रूप से सेवन कीजिए। इस समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। दूध के साथ इसका सेवन करें तो और अच्छी बात है, मतलब कि इसका सेवन करके आप ऊपर से दूध भी पी सकते हैं। यह अच्छी औषधि है। इसका सेवन कितना किया जाना चाहिए तो 2 से 3 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 4 ग्राम की मात्रा में हर रोज सेवन कर सकते हैं। यानी कि 1 से 2 जो फूल होता है इसका, उसका आप पाउडर ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं खुजली से राहत पाने के लिए इसके उपयोग के बारे में। गोरखमुंडी के सेवन से योनि में दर्द हो, खुजली हो या फोड़े हो, उसको ठीक करने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं कैसे उपयोग करना होगा। गोरखमुंडी के बीज ले लीजिए,
चीनी ले लीजिए और पानी ले लीजिए। ये माताओं बहनों के लिए उपयोग है, ध्यान से सुनिए। गोरखमुंडी के बीज, चीनी और पानी आपको चाहिए होगा। गोरखमुंडी के बीजों को अच्छे से आपको पीस लेना है। इसके बाद इस पाउडर में बराबर मात्रा में चीनी मिलाना है। दिन में एक बार ठंडे पानी के साथ इसका सेवन करना है। आपके खुजली की समस्या हो, फोड़े फुंसी की समस्या हो, इन्फेक्शन हो योनि में, वो खत्म हो जाएगा। अब आइए जानते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है। यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए पुरुषों या स्त्री सभी के लिए फायदेमंद है। गोरखमुंडी की जड़ों और पत्तों के सेवन से यौन शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलती है। इस जड़ी बूटी का नियमित सेवन आपके जीवन को खुशहाल बनाने में और आपको स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। आइए जानते हैं इसके उपयोग के तरीके के बारे में। गोरखमुंडी की जड़ चाहिए होगी आपको इसके लिए, उसका सुखा करके आपको पाउडर बनाना होगा। इसके अलावा आपको गोरखमुंडी के पत्ते भी चाहिए होंगे। अब जानते हैं कैसे आपको इसका प्रयोग करना है। यौन शक्ति बढ़ाने के लिए आप गोरखमुंडी के पत्तों का सेवन कीजिए। इसके अलावा रात में गाय के दूध के साथ गोरखमुंडी की जड़ के पाउडर का सेवन कीजिए। यह उपाय आपके जीवन में खुशियां लाने के लिए काफी रहेगा, बहुत ही मददगार औषधि है। अब आइए बात करते हैं किसी को अगर बवासीर की शिकायत है तो कैसे प्रयोग करना है इस औषधि का। गोरखमुंडी के तने और जड़ का पाउडर आपको लेना होगा। तने यानी कि जो उसकी टहनियाँ होती हैं उसको लीजिएगा, इसके अलावा जड़ ले लीजिएगा। इन दोनों को सुखा करके पाउडर बनाइए। शहद या मट्ठा ले लीजिए, जी हाँ शहद या मट्ठा ले लीजिए। प्रयोग कैसे करें तो गोरखमुंडी की जड़ और तने को अच्छे से सुखाइए और पाउडर तैयार कीजिए। नियमित रूप से शहद या मट्ठा के साथ एक चम्मच पाउडर का सेवन कीजिए। इसके सेवन से जल्दी ही बवासीर में आपको राहत मिल जाएगी। अब आइए जानते हैं आंतों के कीड़ों को खत्म करने के लिए गोरखमुंडी के प्रयोग के बारे में। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा तो गोरखमुंडी की जड़ चाहिए होगी। बस कैसे प्रयोग करना है, गोरखमुंडी की जड़ का पाउडर बना लीजिए। पेट और आंतों के कीड़े दूर करने के लिए दिन में एक बार आधा चम्मच पाउडर का सेवन कीजिए। इस पाउडर के सेवन से पेट और आंतों के कीड़ों को खत्म करने में मदद मिलती है। इसके अलावा सांसों की बदबू को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए गोरखमुंडी लीजिए और सिरका लीजिए इसका। इसके अलावा क्या करना है आपको, जब इसको प्रयोग करें तो गोरखमुंडी के पाउडर को आप सिरके में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इस मिश्रण की एक चुटकी सुबह और एक चुटकी शाम को आपको लेना है। इससे आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत सी बीमारियों में कमाल की औषधि है, तो इसका कॉमनली कैसे इस्तेमाल करें। ये तो हमने विशेष तरीका बता दिया इस्तेमाल करने का अलग अलग बीमारियों में, लेकिन कॉमन तरीके से इस्तेमाल करके स्वस्थ लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और जो भी बीमारियां हमने आपको बताई, मिर्गी, मानसिक बीमारी, आधे सिर का दर्द, पीलिया, डायबिटीज, कुष्ठ रोग, बुखार, खांसी, पेट के रोग, हार्निया, बवासीर, पेट के कीड़े, अपच, त्वचा रोग, इन सभी बीमारियों को, ऐसी बीमारियों को, पागलपन वगैरह दूर करने के लिए आप इसका कैसे प्रयोग करेंगे, तो क्या कीजिए आप, इसकी जड़, फूल, तना और इसके फल, इन सभी को लेना है आपको, पांचों अंगों को लेना है और इसके बाद सुखा देना है धूप में। आप इसके सभी अंगों को ले लीजिए, अच्छे से धूप में सुखा दीजिए और एक पाउडर तैयार कर लीजिए। हर रोज 3 ग्राम की मात्रा में, 2 से 3 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन कर लिया कीजिए। सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ, गुनगुने पानी में आप चाहें तो शहद मिला सकते हैं, आप उसमें थोड़ा सा अगर एक लौंग डाल करके उबाल लें पानी को तो और अच्छी बात हो जाएगी, अच्छी औषधि बन जाएगी और उसका प्रयोग कीजिए। आपके लिए कमाल की औषधि के रूप में कार्य करेगा। आपकी ये जितनी भी बीमारियां हैं सभी को दूर करने के लिए बहुत अच्छी औषधि के रूप में कार्य करेगा। आप अगर स्वस्थ इंसान हैं तो आप 2 से 3 दिन में एक बार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सप्ताह में 2 दिन ले सकते हैं, महीने में 2 दिन ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है बिल्कुल कि कितनी औषधियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम आपको अलग अलग औषधियाँ बताते हैं। हर औषधि को हर रोज़ तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए किसी दिन आपने इसका इस्तेमाल कर लिया, किसी दिन तुलसी जी का काढ़ा ले लिया, किसी दिन एलोवेरा। हाँ, हमें स्वस्थ रखने के लिए खुद को कुछ न कुछ जरूर ऐसी औषधियों का सेवन करते रहना है, तभी हम सभी स्वस्थ रह सकेंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि गोरखमुंडी का कैसे प्रयोग करना है। अलग अलग बीमारियों में हमने आपको बता दिया और विशेष रूप से कैसे प्रयोग करना है। आपको किसी खास बीमारी के लिए जब नहीं कर रहे हैं तो
रैंडमली जब यूज करना है तो कैसे करना है समझ गए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ समझ में ना आया हो तो आप सवाल कर सकते हैं, सवाल लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से, हम आने वाले दिनों में उस पर वीडियो बना देंगे। ये वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको एक बेहतर जानकारी मिले। मेरा ये प्रयास है कि सभी स्वस्थ रहें, अच्छी औषधियों के बारे में जानें ताकि उनका सही से उपयोग कर पाएं। इसमें आप भी प्लीज़ भागीदार बने, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद आप सभी का। विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।